अब आपको पासपोर्ट बनाने के लिए पटना जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आगामी 18 जनवरी को सांसद और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह आरा के मुख्य डाकघर में इसका उद्घाटन करेंगे। अब इसके लिए पासपोर्ट बनाने के लिए पटना जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जिसकी सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस संदर्भ में मुख्य डाक अधीक्षक ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि अब आरा में ही यानी मुख्य डाक के कार्यालय में ही पासपोर्ट का कार्ड बनाने का कार्य किया जाएगा। इसका कोई टाइम बाउंड रहेगा पासपोर्ट बनाने के लिए? सिस्टम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जैसे पहले पटना में जाकर के कराना होता था, उस तरीका से प्रक्रिया सेम वही रहेगी। अंतर यही होगा कि आप आपको पटना नहीं जाना पड़ेगा, आरा में ही हो जाएगा। 728 569 42 569 42। जैसे पटना में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र आरा में हमारे माननीय मंत्री महोदय के करकमलों द्वारा 18/1/2019 को शुभारंभ होने जा रहा है। पहले ये काम जो है यहाँ के नागरिकों के लिए पटना जाना पड़ता था, अब पटना के जगह आरा में ही ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी, सारी प्रक्रिया आरा में ही पूरी होगी। कौन कौन लोग आएंगे, कहाँ से लोग आएंगे? पासपोर्ट बनवाने के लिए जो भी आवेदक हैं इस जिला के या अन्य जिला के भी जो लोग आएंगे, सबकी सुविधा यहाँ दी जाएगी। कार्यक्रम में कौन-कौन गणमान्य रहेंगे? कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे सांसद महोदय सह केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री भारत सरकार रहेंगे, के साथ में माननीय विधायक आरा रहेंगे, जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय DDC महोदय और वाइस चांसलर महोदय, क्योंकि आरा के सभी एग्जीक्यूटिव बॉडी के लोग रहेंगे। पटना से हमारे चीफ पोस्टमास्टर जनरल बिहार सर्किट पटना और निदेशक डाक सेवाएं पटना, पासपोर्ट विभाग से श्री अशोक कुमार सिंह भारतीय विदेश सेवा पासपोर्ट विभाग से रहेंगे, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी रहेंगे।